नमस्कार, मैं गुनगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। महात्मा गांधी ने आज के दिन छोड़ा था साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने 31 जुलाई 1933 को साबरमती आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन उनकी यादों को आज भी इस आश्रम में सहेज कर रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद 1915 में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोचरब में की थी। 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया और तब से ये साबरमती आश्रम कहलाने लगा। इसी आश्रम में गांधी जी ने जीवन के कुछ नए प्रयोग किए और देश के स्वतंत्रता संग्राम का ताना बाना बुना। साबरमती आश्रम सत्याग्रह और डांडी मार्च जैसे आंदोलनों का साक्षी भी रहा। देश के पहले तैरते संग्रहालय का आज के दिन कलकत्ता में हुआ था उद्घाटन। कलकत्ता में हुगली नदी पर तैरता हुआ संग्रहालय महानगर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस संग्रहालय का उद्घाटन 31 जुलाई 1993 को किया गया था। इसका निर्माण कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के सौजन्य से कराया गया था। इस संग्रहालय में कलकत्ता का 300 वर्ष पुराना इतिहास यहां लगे 200 से अधिक चित्रों से समझाया जा सकता है। कोलकाता में संपूर्ण भारत का दर्शन सुलभ है। सभी तरह के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और सभी भाषाओं के बोलने वाले कोलकाता की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। आज के दिन हुआ था प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। आज के दिन दी गई थी महान क्रांतिकारी उधम सिंह को फांसी। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दी गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली थी। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक में माइकल ओडायर को गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई। उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।